लिटिल मॉन्क आप वीडियो डाउनलोड करके और आप यूट्यूब पे अपलोड करना चाहते हो एडिटिंग करके, तो गाइस सही वीडियो पे गाइस आप क्लिप किया तो सबसे पहले मैं लाइव प्रूफ आपको दिखा देता हूँ वाइट स्टूडियो में जाने के बाद। तो गाइस वाइट स्टूडियो में गाइस मैं दिखा देता हूँ, वाइट स्टूडियो में गाइस आ चुका हूँ। गाइस यहाँ पे वाइट स्टूडियो में गाइस आ गए हैं, यहाँ पे देख लीजिए कैसे मेरा वीडियो वायरल है और कितना वायरल हो रहा है। यहाँ पे आगे देख व्यू के ऑप्शन पे आगे देख दिखा सकते हैं कितना ज़्यादा मेरा हाई फाई में भी हो गया है गाइस। तो यहाँ पे देख लीजिए गाइस, यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा वायरल होता है गाइस। ऐसे आपको भी वायरल करना है तो चलिए गाइस, मैं सबसे पहले आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और दो तीन अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको इमेज सर्च ऐप को डाउनलोड करना होगा जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा गाइस। ओके, तो गाइस इस ऐप में आकर आपको क्या करना है, लिटिल मॉन के गाइस सर्च करना है। तो मैं गाइस सर्च करके रखा था, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ से आपको जो भी फोटो पसंद होगा इस वो फोटो आप ले लेना है। इसमें फिलहाल ये फोटो पसंद है, ये फोटो डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन है गाइस, देख सकते हैं। ओके चलिए गाइस, तो गाइस इसके बाद गाइस हमें कैपकट ऐप को ज़रूरत पड़ेगा था भाई। गाइस अब जो भी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए एडिटिंग ऐप, तो गाइस मैं जैसे एडिटिंग करूँगा वैसे आप गाइस एडिटिंग कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए गाइस वीडियो को चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस मैं कैपकट ऐप को यहाँ पे देखिए मेरा कैपकट ऐप है गाइस। ओके इस पर क्लिक कर देते हैं गाइस। ओके आप वीपीएन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कनेक्ट करेंगे चलेगा। तो गाइस आप कैपकट ऐप डाउनलोड किया है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके ये आपको गूगल पे मिलेगा गाइस। ओके प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका आईडी हो वो आप एड कर लीजिएगा, मेरा ये वाला है। तो इसमें से ऐसे करके और यहाँ से मैं एड कर देता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा इसे एडिट कर देता हूँ। ओके यहाँ पर क्लिक करके ऐसे कर देता हूँ। ओके गाइस ज़्यादा हो गया छोट करके ऐसे कर देता हूँ ऊपर में गाइस। इससे पहले लास्ट वाला ऐप को मतलब ये कैपकट का ऑप्शन चलाएगा, छाप चलेगा, यहाँ से डिलीट कर देना है। इस पर क्लिक करके डिलीट कर देना है, यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन है गाइस। ओके डिलीट कर देना है और ऊपर से गाइस सॉरी गाइस ऊपर से जाकर यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन होगा, सेव कर देना है। ओके गाइस तो मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ, सेफ हो रहा है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देख सकते हैं सेफ हो चुका है और सेव करके आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस अपलोड करने कैसे अपलोड करता हूँ गाइस वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि मैं वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, अपलोड कैसे करते हैं गाइस। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।